Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine and healthy. Now, today, we are going to study the answer questions of Across the Indus. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम Across the Indus की reading कर चुके हैं, उसमें two river sides का जो है वो बताया गया था. Let's start the questions, answer the questions. Why is it appropriate to call dirty city festering? गंदे शहर को festering क्यों कहा गया था? Festering refers to the conditions that are septic and produce disease. A dirty city is also affected by its condition. Festering एक ऐसी condition होती है कि जिसमें से किसी जख्म वगैरह से, यानी कि जो है वो material या मादा जो है वो release होता है, यानी कि पेपज़दा. और septic भी वही होता है के जख्म वगैरह को सेप्टिक बोलते हैं. एंड प्रोड्यूस डिजीज़, और इस तरह की कंडीशंस जो सी हैं वो बीमारी फैलाने का सबब भी बनती हैं. अ डर्टी सिटी इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय इट्स कंडीशन, और एक गंदा शहर जो है वो इस तरह की कंडीशन से इफेक्ट होता है. नेम फाइव थिंग्स विच द पोइट डज नॉट लाइक अबाउट द सिटी. डेंस पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा आबादी, फिल्थ, गंदगी और फ्लाइज. ऑब्वियसली जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर मक्खियों के ढेर भी होंगे. डर्टी चिल्ड्रन एंड डस्ट आर द फाइव थिंग्स दैट द पोएट डज नॉट लाइक अबाउट द सिटी. एक सिंपल सोल्यूशन है कि जब हर जगह पर गंदगी होगी, गंदगी के ढेर होंगे, गलियाँ नहीं बनी होंगी, कूड़ा क्रिकेट होगा और हर तरफ ये चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर डस्ट भी होगी, फ्लाइज, मक्खियाँ, दूसरे कीड़े मकोड़े भी ज़रूर होंगे. व्हाई डज ही फाइंड द चिल्ड्रन अनअपीलिंग. उसने बच्चों को अनअपीलिंग या गंदे हुलिये में क्यों पाया? ही फाइंड्स चिल्ड्रन अनअपीलिंग बिकॉज दे आर नेक्ड एंड डर्टी. क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत गंदी हालत में थे और उन्होंने नेक्ड यानी कि प्रॉपर ड्रेसिंग भी, पूरे मुकम्मल कपड़ों में भी नहीं थे. हाउ वाज क्रॉसिंग द रिवर चेंज द पोइट्स फीलिंग अबाउट द सिटी. यानी कि पोइट की फीलिंग्स को शहर क्रॉस करते ही क्यों चेंज हो गई? बाय क्रॉसिंग द रिवर द पोइट लेफ्ट द डर्टी स्लम्स बिहाइंड. डर्टी स्लम्स कहते हैं गंदगी के ढेरों को. बिहाइंड उसने, यानी कि जैसे ही उसने उस जगह को क्रॉस किया, वो रिवर साइड उसने क्रॉस की, तो उसने गंदगी के ढेर पीछे रह गए. एंड एंटर द क्लीन सिटी, और वो एक जो है वो साफ सुथरे शहर में दाखिल हुआ. इट चेंज हिज फीलिंग्स, उसने उसकी फीलिंग्स को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया. ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड बात है स्टूडेंट, जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे ऊपर वो खुशगवार असरात जो हैं वो पड़ते हैं उसके. अदरवाइज ऑन द अदर हैंड, अगर हम यानी कि किसी गंदगी वाली जगह से गुजरते हैं जो कि बिल्कुल भी साफ सुथरी ना हो, तो वो हमारे मूड पर बैड इफेक्ट्स जो हैं वो उसके पड़ते हैं. हाउ डज द एटमोसफेयर ऑफ द रिवर कंपेयर विद दैट सिटी. एटमोसफेयर ऑफ द सिटी इज अगली. उसने एटमोसफेयर ऑफ सिटी को अगली, बदसूरत इसलिए कहा है क्योंकि वो गंदा था, गंदगी थी वहाँ पर हर तरफ. एंड वाइल द एटमोसफेयर ऑफ द रिवर इज ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग, और रिवर का जो सा एटमोसफेयर था वो खूबसूरत था और अपीलिंग था, अपनी तरफ खींचने वाला था. क्यों? क्योंकि वो साफ सुथरा था, पानी कंप्लीट फ्लो में था, साफ सुथरा, ग्रीनरी थी, घर अच्छे बने हुए थे और वो लोग भी जो है वो साफ सुथरे, अच्छे प्रॉपर ड्रेसिंग में थे. और इसने पोइट ने जब उन दोनों एरियाज को कंपेयर किया तो उसको जो है वो रिवर साइड बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चार्मिंग लगी, उसने उसके मूड पर भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स डाले. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने तमाम तर क्वेश्चन को लर्न करना है. थैंक यू.